नेक्स्ट वी हैव 122 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 -2,1 एंड -3,2 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस. ठीक है. सो देखो इसमें बोला है कि एक सर्कल है उसके उसका सेंटर फाइंड करना है हमें. ठीक है. सो हम मान लेते हैं उसका सेंटर है ओ एंड इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई. अब बोला है कि ये जो सर्कल है वो निकल रहा है पासिंग थ्रू 0,0 सो इसको पॉइंट ए मान लेते हैं एंड -2,1. ठीक है. सो इसको पॉइंट बी मान लेते हैं एंड -3,2 इसको पॉइंट सी मान लेते हैं. ठीक है. सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू और प्लस रेडियस. ठीक है. अब देखो अगर हम इस ए से ओ तक ज्वाइन करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगी, ये रेडियस आएगी. ठीक है. एंड ओ से बी को ज्वाइन करेंगे तो ये भी अपने पास रेडियस आएगी. ठीक है. एंड ओ से सी ज्वाइन करेंगे तो ये भी अपने पास क्या होगा, रेडियस. तो वी कैन से दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है. अब देखो ओ ए की लेंथ हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो अपने पास आ जाएगी एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी. तो दिस इज द ओ बी. तो ये अपने पास आ जाएगा देखो एक्स प्लस टू का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर. अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर. तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखो इनके होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो अपने पास एक्स प्लस टू का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स. ठीक है. एंड वाई माइनस वन का स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो अपने पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई. सो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर. ठीक है. सो देखो अपने पास आएगा फोर एक्स माइनस टू वाई एंड ए फोर है और ये वन है तो हो जाएगा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. सो वी कैन राइट दैट फोर एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव. टेक इट इक्वेशन फर्स्ट. सो यहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाती है जो कि है एक्स और वाई में. अब देखो ओ बी इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी. ठीक है. ओ बी इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी बिकॉज दिस टू अगेन रिप्रेजेंट द रेडियस. अब हम क्या करेंगे, देखो ओ बी की लेंथ अभी हमने निकाली थी एक्स प्लस टू का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर. हम इसे पुट करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर. अब ओ सी निकालते हैं सो ओ सी अपने पास आएगा देखो एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर एंड वाई माइनस टू का स्क्वायर. ये टू है. ठीक है. सो ये अपने पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर. सो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड अपने पास आ जाएगा एक्स प्लस टू का स्क्वायर. सो इसको ब्रेक करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स. ठीक है. प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर तो इसको ब्रेक करेंगे अपने पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर. सो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एंड प्लस सिक्स एक्स. ठीक है. एंड प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर सो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर. अपने पास आएगा इस फोर एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स. ठीक है. एंड माइनस टू ये अपने पास है माइनस फोर वाई और इस माइनस टू वाई को इधर लेकर आएंगे सो ये हो जाएगा प्लस टू वाई. ठीक है. अब देखो ये है फोर ये है वन सो ये हो जाएगा फाइव. सो इधर लेकर आएंगे माइनस फाइव और अपने पास था नाइन प्लस फोर तो ये है नाइन प्लस फोर इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा टू एक्स. ठीक है. माइनस टू वाई टू वाई होगा. ठीक है. एंड दिस माइनस फाइव एंड फोर हो जाएगा माइनस वन एंड माइनस वन प्लस नाइन ये हो जाएगा प्लस एट इक्वल टू जीरो. तो टू कॉमन लेकर इधर भेज देंगे
सो 0 हो जाएगा, सो अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर वी गेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4. टेक इट इक्वेशन सेकेंड. सो अपने पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, किसमें, एक्स और वाई में. सो देखो फर्स्ट है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट है अपने पास 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5. सो ये आ जाएगी 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5. अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है. सो ये आ जाएगा अपने पास 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 8 एंड देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो अपने पास आ जाएगा दिस, ठीक है. सो माइनस 2y से प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा एंड ये आ जाएगा अपने पास 4x माइनस 2x दैट इज 2x इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3. सो x इक्वल टू वी गेट 3 अपॉन 2, ठीक है. नाउ पुट दिस x इक्वल टू 3 बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड में रख दो, इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. सेकंड है अपने पास दिस, तो अपने पास है x माइनस y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है. ओके, सो यहाँ से y इक्वल टू मिल जाएगा हमें x प्लस 4. सो x इक्वल टू हमें पता है 3 बाय 2 है, सो 3 बाय 2 प्लस 4 हो जाएगा. ये एलसीएम लेंगे, सो अपने पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 8 अपॉन 2. सो 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, तो 11 बाय 2. तो वी गेट y इक्वल टू 11 बाय 2. सो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो अपने पास आ जाएंगे. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर विल बी ऑफ सेंटर, जो कि हमने ओ माना था, इज एक्स कॉमा वाई. सो एक्स इक्वल टू आया है 3 बाय 2 एंड वाई इक्वल टू वी गेट 11 बाय 2, ठीक है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. अब हमें निकालना है रेडियस, ठीक है. सो रेडियस हम निकाल सकते हैं, देखो रेडियस, देखो रेडियस है, देखो ओ ए की लेंथ, ओ बी की लेंथ एंड ओ सी की, ये सब क्या है, रेडियस है. सो हम कोई भी एक लेंथ निकाल लेंगे, वो अपनी रेडियस होगी, ठीक है. तो ओ ए निकालते हैं हम, ठीक है. तो रेडियस इक्वल टू होगा ओ ए एंड ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो एक्स वी हैव 3 बाय 2, सो ये आ जाएगा 9 अपॉन 4, 3 बाय 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 11 बाय 2 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 121 अपॉन 4. अब देखो सो इसे प्लस करेंगे, सो ये अपने पास आ जाएगा 9 प्लस 121 अपॉन 4 डेट इज 130 अपॉन 4. सो ये अपने पास आ जाएगा रेडियस इक्वल टू अंडर रूट 130 अपॉन अंडर रूट 4. सो 4 का अंडर रूट 4 होता है 2, ठीक है. सो वी गेट दिस अंडर रूट 30 अपॉन 2 यूनिट. सो दिस इज द आंसर.